सिद्धार्थनगर जिला, जहां कपिलवस्तु विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के दोबारा जीतने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सिद्धार्थनगर का जिला कपिलवस्तु भगवा रंग में एक बार फिर रंगा नजर आया। खुशी से विधायक और समर्थक झूमते नाचते गाते नजर आए और कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। वहीं आपको बता दें, विधायक श्यामधनी राही को फूलमालाओं के साथ बधाई दी गई और इस मौके पर सदर विधायक ने मुख्यमंत्री समेत सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए जनता को धन्यवाद दिया गया। इसके अलावा डुमरियागंज में युवा और भाजपा प्रत्याशी के हार, सपा प्रत्याशी की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर कहा कि वहां के जो आतंकवाद के, नक्सलवाद के संरक्षक दाता है, ऐसे लोगों ने यह घृणित कार्य किया और ऐसे लोगों को, जिन्हें स्नेह प्रेम हिंदुस्तान से नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़ चले जाना चाहिए। श्यामधनी राही कपिलवस्तु विधानसभा के प्रत्याशी को जनता ने अपना आशीर्वाद अमूल्य वोट देकर पुनः विधायक चुना है, अपना सेवक बनाने का निर्णय लिए। उसी के तहत हम संकल्पित हैं कि विकास के जो छूटे कार्य हैं उसे पूर्ण करें और आम जनता का जो 2022 में अपना अमूल्य मत दिया है उसके लिए आभार प्रकट करते हुए उनके चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन है। शिलान्यास हो गया है और इधर फसल लगा है, फिर आचार संहिता लग गया था जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसका पूर्ण पैसा आया है। इस नाते सबको विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज महाराज श्री कोई नया कार्य जब करते हैं तो उसका पैसा सुरक्षित कर लेते हैं और तभी उस कार्य को प्रारंभ कराते हैं। आगे आपकी कार्यों की और कौन सी योजना ऐसी है जो आपका? देखिए, यहाँ तो हमारे विधानसभा में यह बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ जब आती है तो बनी रोड ही खराब हो जाती है, क्योंकि और परम पूज महाराज जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और शपथ ग्रहण किए तभी उन्होंने ये आदेश कर दिया था गड्ढा मुक्त सड़कों को करने के लिए। उस तहत गड्ढा मुक्त हुआ था, लेकिन बरसात और बाढ़ के नाते रोडें खराब हो जाती हैं, लेकिन हर वर्ष महाराज जी का ये निर्देश रहता है कि कोई रोड ऐसा ना रहे जिसका गड्ढा मुक्ति ना हो जाए। तो इस तरह से आज विकास के कार्य चरम सीमा पर हो रहा। हमारे कपिलवस्तु विधानसभा में ले लीजिए 61 सड़कों का अंजलि बस आउटों के तहत निर्माण चल रहा है और बड़ी सड़कों में आपका पकड़ी से जोगिया चौड़ीकरण हुआ, फिर हमारा पकड़ी से महुलानी होते हुए सियरा पार जा रही है, सड़क बन रही है, और उधर वो जो है बूढ़ी राप्ती नदी पर 18 करोड़ का पुल का निर्माण हो रहा, अप्रोच बन रहा है। इसी तरह से सोनपुर बांध है, वहाँ भी सड़क बन गई थी लेकिन जमुआ नाले में पुल नहीं बना था, वो 14 करोड़ का पुल का निर्माण चल रहा है। इस तरह सब मिला करके 1000 करोड़ रुपए का विकास के कार्यों का कार्य कपिलवस्तु विधानसभा में चल रहा है। इस नाते पुनः परम पूज महाराज श्री जनता के बीच में हिंदुत्व और विकास के उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा था, जिससे जनता ने पुनः उस विश्वास को जताते हुए पुनः श्यामधनी राही कपिलवस्तु विधानसभा के प्रत्याशी को जनता ने अपना आशीर्वाद अमूल्य वोट देकर। दूसरी बार आप इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस चुनाव का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जाता है, क्योंकि वो लोग माननीय मुख्यमंत्री परम पूज योगी आदित्यनाथ महाराज जी 5 वर्ष जनता को शांति
और ऐसे परिवारों को राशन, जो निरीह गरीब थे ऐसे लोगों को कोरोना काल में दो दो राशन फ्री, और किसान सम्मान निधि ये सब देकर वो लोग के मन में केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, चुनाव में वो लोग कहते थे कि हम लोग मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं जो हमें जिला खिला रहा है, यही जनता का वो था। तो सारा का सारा श्रेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। चुनाव का जो आज रिजल्ट आया है वो इन्हीं दोनों को श्रेय जाता है, और जनता का जो शांति सुरक्षा व्यवस्था जो उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिला है सबसे बड़ा वो भी कारण बना है। पिछले 5 साल में विकास के मतलब कई योजनाएं चली हैं, उसमें काम भी हुए, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी रही जो धरातल से अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी विकास के कार्य को तब करती है जब उसका धन उपलब्ध करा लेती है, तभी उसका शिलान्यास करती है और उसका समय फिक्स रहता है कि इतने दिनों में इस कार्य को पूर्ण करना है, तभी कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि हम लोग आज जनता के सेवक बनकर विधानसभा में गए हैं तो सारी प्रक्रिया विकास की हम लोगों को उससे हम लोग अवगत हैं, क्योंकि हमारे ही विधानसभा में जैसे 33 वां लोटन मार्ग है, इसका 46 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, शिलान्यास हो गया है, और इधर फसल लगा है, फिर आचार संहिता लग गया था जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसका पूर्ण पैसा आया है। इस